इसा मूड है कथा सुन लोगे छुट्टी ही सती की हाँ? सुन लोगे नहीं मुंह सुतरा करो न्यू के उकड़ू के उरे हाँ? तो फिर इसे बीच में उठना नहीं है, प्रेम से सुनना। धार्मिक अपना कार्यक्रम है, बाबा मुखराम दास का मंदिर है, दादा लक्ष्मी चंद द्वारा वर्णित सती माँ की कथा है, जिसका निचोड़ ये है कि अभिमान का सिर अंत में नीचा होता है। इसको हम शुरू करते हैं, बोल आदिदेव महादेव शंकर भगवान की। एक एक बोल सुनना, कथा शब्दों के साथ रहोगे तो आनंद आ जाएगा, बीच में छोड़ दोगे तो आनंद कट जाएगा। ए जी अभिमान करणिया अंत समय पछ होता है, अभिमान करणिया तो हो सकता है ना, तो सांग में सुनी होगी ना स्टेज पर कभी सुनी होगी, मंच पे कोई गाता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कठिन होता है तो थोड़ा गौर करना। सतयुग का तीर्थ है पुष्कर जी, त्रेता युग का तीर्थ है नेमिषारण्य, द्वापर युग का तीर्थ है कुरुक्षेत्र, और कलयुग का तीर्थ है श्री हरिद्वार। बोल गंगा मैया की जय हो। नेमिषारण्य तीर्थ का जिक्र है, एक बार ऋषि देवता गंधर्व किन्नर सभी की सभा होती है, यहाँ से शुरुआत होती है। बोल सतगुरुदेव भगवान की क्या कहा है। परीक्षा लेने करके पूरी आस गए, बड़ी बड़ी दूर से वे बड़े बड़े खास गए, बड़ी बड़ी दूर से वे बड़े बड़े खास गए। निसरण तीरथ ऊपर आकन हुए, त्यागी ओर वैरागी योगी सन्यासी भी डटे हुए, संत सनंदन संत कवारा सब आगे बैठे हुए, संत सनंदन संत कवारा सब आगे बैठे हुए। अरे ब्रह्मा जी के, आप किया शंकर जी तो उठे नहीं,
बोले ना पर ना बकिया ओ शंकर जी तो बोले नाही बोले ना पर ना बकिया अरे आगे सीने उठ स्वागत सरेआम किया शंकर जी तो उठे नहीं और बोले ना प्रणाम किया। दस प्रजापति हुए उनमें से एक है दक्ष और दक्ष की बेटी हुई सती। मां शक्ति ने 108 बार जन्म लिया 108 की 8 बार शंकर भगवान को पति चुने हैं। राजा दक्ष के घर में बेटी हुई थी सती उसी शक्ति का रूप थी। समा आया तो उसने विजय कर ली कि मैं शंकर भगवान को ही पति चुनूंगी। राजा था दक्ष निवले ए बेटी क्या के पीछे बावड़ी हो रही है शमशानों में रहता है भस्मी रमाता है तू राजा की छोरी क्यों कर रहेगी मानिए नहीं जद पाड़िए रही जो कर आज छोरी कर ले अपनी मर्जी तो बाबू ने नहीं कहते चल मेरे लिए खत्म मर्गी है मैं तेरे तो मैं तेरा कुछ नहीं तू मेरी कुछ नहीं। ऐसी स्थिति थी राजा दक्ष ने कहा जा बेटी आज से मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं जाऊ बाबा गल रह लिए। ओए दक्ष नेमी सांड में पहुंचा शंकर भगवान ने ना उठा न बोलिया आगे सीज ने चाल दक्ष फिर तिरछी नजर लगाया शंकर भगवान को देख कर मड़ा नाक चढ़ा के ऋषियों से मुलाकात कर ली। निबरा भाई ईसा यज्ञ करो जिसका नाम हो महायज्ञ जिसको जो दुनिया में कभी किसी ने कराया ना हो वहां के जकर आ गया ऋषियों से बतलाकर फिर शंकर जी पेड़ लिखाया के नजारा है क्या लिखा है। दक्ष बोले सब ऋषियों से दक्ष बोले सब ऋषियों से मनसा पूरी भारी करो किसे ने भी किया ना हो ऐसा काम जारी करो सामग्री सब लेके आओ यज्ञ की तैयारी सामग्री सब लेके आओ यज्ञ की तैयारी करो निमला रे यज्ञ की तैयारी करो और उठ कर चल जा फिर शंकर जी कैड लिखाया। ओए दक्ष बोले शंकर जी से नाता है जरूर तेरा मेरे से तो बढ़कर कहने तपना भरपूर तेरा समय आव देख लूंगा मैं तोड़ूंगा जरूर तेरा समय आव देख लूंगा तोड़ूंगा जरूर तेरा इतनी कह नंदी भी सिंह पहना के बाजा सिंह पहना के बाजा दक्ष ने बोला डट डट जा रहे
के नजारा है महादेव महारुद्र आए चाल धर्म के तू धर्म के रक्षक धर्म पर धर्म के रक्षक धर्म पर तत्काल दक्ष बोले नंदी कण से कर्या है अभिमान तने मेरे से तो बड़ कर तने मान्या तुण पलवान तने याद रख खै चलूंगा जो करी है जबान तने याद रख खै चलूंगा करी है जबान तने अरे बोले सुनिया जब से 100 रुपए का इनाम और दिया जाता है बार बार धन्यवाद सुधीर सरपंच साहब आए आपका भी स्वागत धन्यवाद धन्यवाद महात्मा गंधर्व किन्नर सन्यासी और योगी जति सारे मिलक कहा चले शंकर जी से पूछे सती इतनी बात सुन फिर आसने लगे कैलाश पति अरे इतनी बात सुन फिर आसने लगे कैलाश पति ओ फिर शंकर ने ये सारी दुनिया भाज रही है कड़े जा है शंकर भगवान हंसने लगे निबले सती ये सब थारे घर जा है नुनी मारे घर निबले कन खड़ में जा है के करण निबले तेरे बाबू ने बड़ा आयोजन कर रखा है अर ने सब का न्योता है आज निबले जी मारा निबले मारा मारा नहीं है और सब का है निबली नहीं ऐसा नहीं हो सकता
और मैं जांगी, मैं जांगीर में मेरे बाप तो बात करूंगी। के कह रहे करवाया देख कने आऊंगी। पिता और पति का झगड़ा सारा मिटा चाहूं, पिता और पति का झगड़ा सारा मिटा चाहूंगी। शंकर जी हंसे अब बावली न्यू नहीं जा करते, क्यों नहीं जा करते? शंकर बोले सुन ले सती, अरे शंकर बोले सुन ले सती, जितना जगाया करते बिना बुलाए किसे कह दी, कत्ते बिना जाया करते बेकदरी का टुकड़ा जग में कहीं बिना खाया करते, बेकदरी का टुकड़ा जग में कहीं बिना खाया करते। बिल्कुल भी ना रे 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 रे, बिल्कुल भी ना मिट सकती जो रची हुई से माया रे, बात कर लिया अंत समय वो बचाया, बात कर लिया अंत समय वो बचाया। सरपंच साहब 500 रुपए का आशीर्वाद इनाम देते हैं बार बार, धन्यवाद है, धन्यवाद। धर्मवीर जी 100 रुपए का आशीर्वाद देते हैं बार बार प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद। माननी नहीं शंकर भगवान ने बोले सती ऐसे जाना नहीं चाहिए, बिना बुलाए कद्दे भी फिर किस्से के बिना जाया करते, बेकदरी का टुकड़ा जग में कत कहीं भी ना खाया करते। फिर आसन लागे निवला पर बिल्कुल भी नहीं टड़ सकती जो रची हुई समाया, निवला मेरे बस का तेरे बस का। और सती जद करके अपने पति से शंकर भगवान से अपने बाप का घर चली गई, इससे ये भी देखो शिक्षा मिलती है, एक औरत को अपने पति के कहे में रहना चाहिए ना सत्यानाश हो जाए। सती माँ शंकर भगवान से जबरदस्ती करके अपने बाप का घर चली गई, बाप का घर चली गई तो उड़े दन्ना ही रील शुरू होगी। हमारे लिए सम्मानित श्री ईश्वर शास्त्री जी 500 रुपए का आशीर्वाद देते हैं बार बार प्रणाम, क्या कहानी बनेगी। नाही झूठ रती पिता के दरबार गई, क्रिया आड़े गुण अवगुण बा पल में विचार, क्रिया गुण अवगुण पल में विचार गई। साथ अपने बापू की छाती में टक्कर मारती सती ने, निवले पिताजी यो देश छोड़ रखा है, अरे एक शंकर भगवान महादेव को नहीं बुलाया क्या? इन तसारियां तो बोलता है वो, क्या ये सब उससे गुणवान है? सुन के सुनू, ये ब्रह्मा जी ने कहा है कि वेदों में विद्वान पूरा, कुबेर जी ने कहा है कि धनियों में तदवान पूरा, संजीवन विद्या याद जिसके गुणियों में गुणवान पूरा, जीवन विद्या याद जिसके गुणियों में गुणवान पूरा। फिर बता दे
यक्ष देवता गंधर्व किन्नर ऋषि मुनि सन्यासी बाबे नागे सब आ रहे सबका न्योता संपोष हो हमें बाबे भी आ रही। एक महादेव नहीं बुलाया केला रियास्तों सने। ब्रह्मा जी ने कहा है कि वेदों में विद्वान पूरा, कुबेर जी ने कहा है वो तनियों में धनवान पूरा, संजीवन विद्या याद जिसके गुणियों में गुणवान पूरा, फिर बता दे पिता मेरे किस कारण नहीं बुलाया। इतने माँ की माँ जी उसने हूक छोड़ दी छाती गला करने बोली माँ तुमने ये ठीक नहीं करा था मेरी गैर के प्रेम की बातें होने लगी। शंकर जी का झगड़ा सारा माता आदर छोड़ने लगी। शंकर जी का झगड़ा सारा माता आदर रोने लगी। कन खल के माँ ऋषि मुनि वेद मंत्र गाए रहे अग्नि होकर रात आदि मन को रिझाए रहे। आसनों को छोड़ नीचे देवता भी आए रहे। आसनों को छोड़ नीचे देवता भी आए रहे। कन खल के माँ मेरी सोनी के दक्ष बोले सुने बेटी किसके गुण गाने लगी। अपने हाथा वाली पोसी हमको आंख दिखाने लगी। उसे तो समझ आया नहीं हमें क्यों समझ आने लगी। उसे तो समझ नहीं हमें क्यों समझ आने लगी। तन्ने बेइज्जती करी और उसने ऋषियों की सभा में बेइज्जती करी। ऋषियों की सभा के अंदर इज्जत का किया था ढेर। धूप के न मर जाए बेटी मोटे की तरह सनेर। रहना हो तो रहो प्रेम से न जाने में मत बदलाओ दे। रहना हो तो रहो प्रेम से न जाने में मत बदलाओ दे। राधा दक्ष ने समय बचता है अरे बीमार
बोलिया सुने बेटी किसके गुण गाने लगी। ए मारी पाली ओड़ मारी पैदा करी ओड़ अपने हाथा पाली पोसी हमको आंख दिखाने लगी। उसे तो समझाया नहीं हमने समझाने लगी। ये ऋषियों की सभा के अंदर इज्जत का किया था ढेर और डूब गए नंबर जिया बेटी मोटे की करे से मेर। और सुने ओ तो बुलाया है नहीं और तन्ना भी रहना उधर रहे पूरा प्रेम से न जाने मतलब दे मना बेरा था तुम कड़ी आ रही हो मारे बैगन करोगे आगे चल दे तुम भी। निवला बाप निवली बापू के कैसे तू निवला रहना हो तो रो प्रेम से अना नौ दो ग्यारह जाने मतलाओ दे एकदम गुम होगी। निवली मेरे बाप का घर है मेरे पति का भी अपमान है मेरा भी अपमान है अर्जा एक शब्द भी मेरी तरफ से नहीं आओगा और जाऊंगी तो मैं मुंह तो चुप कर दिखाऊंगी पर सुन चुप चुप होगी और के कर दिया सती ऋषियों बीच कोई खड़ी अवन चल रहा था ऋषि लोग खड़े थे ओए अग्नि को प्रणाम करके अवन कुंड गई और नंदीगण गैल भेज रखे शंकर भगवान ने देख कर एकदम क्रोध में अपार गए ऋषियों से लड़ाई करी कईयों के शर तार गए भरगू जी के तप के आके नंदी गण भी आए सती जैसे कुछ नंदी ने मारी से खोद कई ऋषि कुंड मला दिए हैं। फिर भरगु ऋषि के नेत्र तो मत यज्ञ था फिर भरगु ना का जब अपनी माया छोड़ी तो नंदी ने देखा यो तेरे बल का भी नहीं है। अरे चल्या नंदी चल्या नंदी वहां से बात है निवला के बताऊं महाराज जमा नाश हो गया और जमा मठ मर गया महाराज और गए और काम थे महाराज और क्या बन गई महाराज के बन गया सती तो कूद गया वन में और मेरा कभी फिर कूद गया। इतनी सुनी नेत्र लाल हो गए शंकर भगवान गणों के साथ कैलाश से उठ के चलते हैं। क्या कहानी है बोल शंकर भगवान की। शंकर जी फिर उठ के चले के माँ आए पछे ऋषियों से लड़ाई करी एक आधे की मूछ डाटी पाड़ के खड़ाई करी एक आधे की मूछ डाटी पाड़
कन त्रिशूल शीश दक्ष जी का काट दिया। दक्ष का तो सर काट दिया, वीरभद्र शंकर जी का कण था, दक्ष का सर तार दिया। और फिर भरगू निवलारा नंदी तेरा गकुण साड़िया था, निवलारा भरगू भरगू बैठ चलिया था। फिर शंकर जी न आके आके शंकर जी न आके वीरभद्र को डांट दिया। शंकर जी ने वीरभद्र को डांट दिया। शंकर जी के शंकर जी के गणों ने शांत किया तो भरगू जी के प्राण बचे। चालिया ऋषि मुनि सब के सामने था और सब ने निवेरा था, शंकर जी बोला बिना रखा ने बोले ना क्या मचाओ है, ठीक से किसी की पकड़ किया तो समाज का नाराजी नहीं है। एक आदमी को दी मारे का छोरे ब्याह करा दो, ने बोला चुप हो जा, यो नाम मत ले दिए मां, क्या था लभ्यकन हो रहा था, रह नहीं हो रहा रिश्ते मां, के जुलम हो गया। बोला देख अड़े ताई की बात आ रही है, किसे धनी वीर की नहीं बनती होनी, आपस में उड़े भी लोग नंगाला रहे हैं, आप झगड़ेगी या उसको बठानी से उड़े ताई का जोड़ तोड़ चल रहा है। तुम बोले थरे से बुझ जाए से नारद जी ने बोला सुनो भाई सारे आ जाओ, जब तने को दे क्या मचाओ से, शंकर जी कर दिया वनर हम सारे आ जाएंगे। आ भी गए, तुमने एक बात बता दी सारे विद्वान छो, हरा जजमान मर रहा है ना बेरा तो, या यज्ञ की तारीख तम न धरी होगी, यो यज्ञ का समय तम न धरिया होगा, और जिसने तुम सब बुला रखे दान दक्षिणा देन लाग रहा थारा सबका प्रबंध कर रखा, ओ ये मरिया पड़ा था थारी हाजरी में, शंकर जी की तो जरूरत नहीं है, तुम भी बड़े बड़े ढाढ़े कर रहे हो, इन तम श्यामी आ जाओ और यो काम करके दिखाओ कौन सा। वीरभद्र को शांत करके, वीरभद्र को शांत करके कर गुजी की रक्षा है। नारद बोले सब ऋषियों से याद किसके वो शिक्षा है, ओए दक्ष जी को जिंदा कर दे सभी की परीक्षा है, ओ दक्ष जी को कन खल के माँ झूठी बात ना बनावे कोई, सातु मंत्र जड़ी बूटी आन के दिखावे कोई। जब ये बोल सुनिया एकदम गुम, ये नारद जी की बात सुन के कान ना दिलावे कोई, नारद जी की बात सुन के कान ना दिलावे कोई। महादेव ने अपना नाते बचाया,
संजय प्रधान जी भगवान परशुराम युवा मंडल मित्ता थल सौ रुपये धन्यवाद प्रदाती सती सती माँ की इस कथा पे खुश होकर चाचा ईश्वर जी सौ रुपये का इनाम और दिया धन्यवाद। कोई भी ना बोलंदार जी निवरे आ जाओ नहीं भाई न्यू को धर भगवान हाँ अरे हम का वो कर दिया अरे यो ऑर्गेनाइजर यो थरा खुद आगे बग जजु थे थरा जजमानियो मरिया पड़े हिन जिंदा करो ना तो शर के सब के शर बाहर है। कोई ना बोलिया निबले सुनो इस महादेव से ही प्रार्थना करो यो ये जिंदा कर सके इसी को संजीवनी विद्या याद है और कोई नहीं कर सकता। ऋषि मुनि सारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए निबले मारे शर पर पाप सागा मारा है और मारा जजमान मर गया जी ने हम बुला रखे ये मारा के ऋषि बना रहा हमारी खराब मट्टी होगी। एक भजन में सा नहीं दक्ष प्रजापति जब अहंकारा त्रिशूल से शीश उतारा माफी मांगी होश में आयो बकरे का तब शीश लगायो आशुतोष बोले बाबा वही प्रसन्न ओ जगर हड़ के कहानी होगी। माता जी सौ रुपए का इनाम और बार बार प्रणाम हरिओम। जी को जिंदा कर दिया सारे जयकार हुए देवों के महादेव शंकर ऋषियों में विचार हुए देवों के महादेव शंकर ऋषियों में विचार हुए सब शंकर जी को भजने लागे मन के तो संगीत उपजे कन खल के मा खुशी मनी राजा और रंग सजे लक्ष्मी चंद का प्रेम मवर के काड़ा वलोर शंख बजे लक्ष्मी चंद का प्रेम मवर के काड़ा वलोर शंख बजे गुरु मान सिंह पे सती माँ की कथा।
जो दादा लक्ष्मीचंद्र ने लिखी है। सरपंच साहब 100 रुपए का इनाम और देते हैं बार बार, धन्यवाद।